राजभवन राजस्थान सीएम अशोक गहलोत मात्लाडुतुन्नारु आ लाइव चूद्दाम झूठ करेगी उनको भी लागू किया जाएगा एग्जामिन करके अभी जो मैनिफेस्टो दिया है आपने वो दिया यहाँ की स्थिति देखकर दिया है मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी गारंटी दी गई है तेलंगाना मन गया सोनिया जी को लोग याद करते हैं और पूरा देश याद करता है कि कितनी लंबे समय से मांग थी तेलंगाना की कितनी लंबी मांग थी हम लोग जब से पार्लियामेंट में आए थे 80 में 80 से हम सुनते थे तेलंगाना बनना चाहिए बनना चाहिए मेरे ख्याल कई तरह नक्सलियत गतिविधि भी हुई थी ऐसा मुझे याद है पर आखिर में सोनिया जी ने बहुत बड़ा निर्णय किया और तेलंगाना का फैसला किया बाकी स्थिति क्या हुआ आप मुझे ज़्यादा जानते हो मैं उतने नहीं जाना जाता पर अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ वरना कांग्रेस सरकार उससे बना लेती अगर 10 साल पहले आज पता नहीं तेलंगाना कहाँ पहुँच गया होता कहाँ पहुँच गया होता उससे वंचित रह गया है और जो वर्तमान सरकार है इसकी गुड गवर्नेंस कभी नहीं रही ये कभी नेशनल कभी स्टेट उसी में ये लगे रहे मेरा मानना है कि अब तो जो खबर आ रही है कि बीआरएस और बीजेपी से मिले हुए लोग हैं और मिलकर राजनीति कर रहे हैं उसी रूप में ये लोग काम कर रहे हैं और मैंने सुना बेरोजगारी तो भयंकर है 9 साल में पेपर लीक बहुत भयंकर हुए हमारे ऊपर प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं पेपर लीक का राजस्थान पर जबकि गुजरात मध्य प्रदेश यूपी और आपके यहाँ पे भी सब जगह पेपर लीक भयंकर हो रहे हैं आर्मी में हो रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर हो रहे हैं राजस्थान वो राज्य एकमात्र है देश के अंदर जिसने कार्रवाई करी दूसरे को जेल भेज दिया उनकी बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया और तो कानून पास कर दिया आजीवन कारावास आजीवन कारावास हिंदुस्तान में सिर्फ राजस्थान में किया है जो पेपर लीक करेगा उसको आजीवन कारावास भुगतना पड़ेगा लाइफ इंप्रिजनमेंट भुगतना पड़ेगा इतना कड़ा कानून ने बनाया है बाकी तो राज जो है आजकल तो आप देखते हैं कि ईडी इनकम टैक्स सीबीआई और जुडिशरी पे दबाव है इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है अनफॉर्चुनेटली जो नहीं होना चाहिए।